ब्रेक इट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम, मेरे साथ है मजर अरशद फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। बोथ वेरी टेरिफिक टीम्स। वी हैव सीन सम वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, एंड दीज टू टीम्स डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन द टॉप फोर। देर वर ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल्स फेवरेट टीम्स to qualify through, because I read India and Australia and England have played some fantastic T20 cricket in the last year or so. Mazhar Arshad hamare saath hain to talk about what to expect in this semi-final. Mazhar, not a lot of surprises there, seeing these two teams in the semi-final. Now, head-to-head inke jo stats hain against one another, kya reflect karte hain, which team will be stronger in the head going into this semi-final? देखिए, आई थिंक के रिसेंट टाइम्स में जो इंडिया है उन्होंने जरा इंग्लैंड को थोड़ा बहुत टफ टाइम दिया है। अभी इस साल भी जो इंग्लैंड में सीरीज हुई थी T20, वो भी इंडिया जो है वो जीत गया, और लास्ट ईयर जो है वो अहमदाबाद 5 मैच की एक T20 सीरीज हुई थी, और उसमें भी हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया था। तो रिसेंट हिस्ट्री तो इंडिया की फेवर में है, और फिर आई थिंक शायद अगर हम इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो इंडिया ने जो है वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है, उनकी 8 पॉइंट्स हैं। और अगर हम वर्ल्ड कप में भी देखें, एक्चुअली वर्ल्ड कप में ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा इंडिया और इंग्लैंड खेले नहीं है। इनफैक्ट ये 10 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो है वो T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच होगा। लास्ट टाइम श्रीलंका में 2012 में हुआ था, 3 मैचेस हुए हैं दोनों के दरमियान, 2 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 1 इंग्लैंड ने। लेकिन ये बड़ी हिस्टोरिक वैल्यू है इन दोनों की इस कॉम्पिटिशन में। उसकी वजह ये है कि जो पहला जो इनका मैच हुआ था 2007 में, वो बड़ा हिस्टोरिक मैच था डरबन में। युवराज सिंह ने 6 गेंदों के ऊपर जो है वो 6 छक्के लगा दिए थे। हाँ, ये है कि दोनों के दरमियान जो है वो कभी सेमीफाइनल नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप का। ODI वर्ल्ड कप का भी जो फाइनल, जो इनके कुछ सेमीफाइनल हुए हैं वो 1987 में हुआ था लास्ट टाइम, जिसको कि अब तकरीबन 35 साल हो गए हैं। और 1983 में जब इंडिया की टीम 50 ओवर वर्ल्ड कप जीती थी तो उन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल हराया था 83 में, एंड देन दे बीट वेस्ट इंडीज इन द फाइनल। तो लेट्स सी, लेकिन एक मैं यहाँ पे जरूर बात करूंगा, इंटरेस्टिंग बात है कि 1987 में जो होस्ट जो थे वर्ल्ड कप के, वो इंडिया और पाकिस्तान थे, ज्वाइंट होस्ट थे, और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान लाहौर में सेमीफाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें कहते ये है कि जो क्राउड है वो रोता हुआ घर वापस गया था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रांग और फेवरेट टीम थी, इमरान खान जो है उस टीम के कैप्टन थे। लेकिन पाकिस्तान लाहौर में इंडिया से हार गया, और इंडिया की जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड पे जो है वो इंग्लैंड से हार गई। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा 1987 में, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल बन गया था। तो आई थिंक सब कॉन्टिनेंट के फैंस को ये उम्मीद करना होगी कि इस बार जो है कुछ ऐसा ना हो जाए, वरना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल हो सकता है। बिल्कुल, और हम सबको पता है कि लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान किसी फाइनल में खेले थे इन एनी बिग टूर्नामेंट, तो उसका जो रिजल्ट था वो किस डायरेक्शन में निकला था। तो आई थिंक पाकिस्तान फैंस विल डेफिनेटली बी प्रेइंग कि एक रिपीट होगा उस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का। बट मजल, लेट्स टॉक अबाउट दीज टू टीम्स। ऑफ कोर्स इंग्लैंड बहुत कन्विंसिंग क्रिकेट खेल रही है, T20 को भी उन्होंने री इमेजिन कर लिया है एज अ फॉर्मैट, रियली गोइंग एट इट रियली। और ऑफ कोर्स उनकी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर डिफिकल्ट to ignore in this format. Ab Ben Stokes hai, Mark Wood hai especially. Who do you think England will be really counting on to deliver in this semi-final? Dekhe, ek to naam aapne le diya Mark Wood ka. Jab se unka comeback hua hai, unki elbow surgery hui thi is saal, aur uske baad Pakistan ka jo bhi unka tour tha usme unhone comeback kiya hai. और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर मैच में वो 150-155 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक तो वो उनके जो है वो की प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर उसके अलावा आई थिंक बैटिंग में जो है वो जॉस बटलर जो है वो एक आप कह लेंगे इंग्लैंड की बैटिंग की जो बैकबोन है, और रिसेंट टाइम्स में उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं T20 क्रिकेट में, उनकी सेंचुरीज हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी कर दी थी, इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और तो बहुत ज्यादा IPL खेलते हैं वो, तो उनकी कुछ फेमिलैरिटी भी होगी इंडिया के प्लेयर्स के साथ। तो आई थिंक के मार्क वुड एंड जॉस बटलर ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं
इस सेमीफाइनल के अंदर। अच्छा मजर, इंडिया के जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबको पता है विराट कोहली जो है ही इज इन स्पेक्टेकुलर फॉर्म एंड व्हाट अ टूर्नामेंट ही हैज चोजन टू गेट बैक दैट फॉर्म दैट यू नो वी ऑल हैड बीन वेटिंग फॉर। तो ऑफ कोर्स कोहली जो है वो इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर भी है टूर्नामेंट के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट sky has been so spectacular to watch. Surya Kumar Yadav aate hain aur is tarah hi shots wo invent karke chale jaate hain like it's no big deal. Batting like that, ye do batters hona team mein kitna bada strength hai. Even if your top order is not performing, having batters like Kohli and Surya Kumar Yadav, India will be a lot more confident than the other teams. बिल्कुल, आई थिंक आपने जिन दो प्लेयर्स का नाम लिया है जो अभी इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच खेला है मेलबर्न में, तो कमिंग इन टू दैट गेम इंडिया के जो 61% ऑफ देयर रन्स दे वर स्कोर्ड बाय सूर्य कुमार यादव एंड विराट कोहली कंबाइंड, तो दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। कोहली ने तो आई थिंक एक ऑलरेडी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल दी है इस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव उनके जो है वो 350s हैं, 360 डिग्री प्लेयर को कहा जाता है और उन्होंने दिखाया भी है अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेलबर्न में बड़ी ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से पावर हिटिंग की। लेकिन एक होता है रन्स करना, एक होता है इंपैक्टफुल रन्स करना, और सूर्य कुमार यादव उस कैटेगरी में आते हैं। इस साल दुनिया में और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके के T20 इंटरनेशनल्स में 1000 रन हो, सूर्य कुमार यादव के 1000 रन हैं। और जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है ये 1000 रन 186 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आए हैं। आई मीन 1000 रन, इतनी हाई रिस्क क्रिकेट खेल के भी आप 1000 रन कर रहे हैं, आपकी 40+ एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है ना वो ये साबित करता है कि वो इस टाइम कितने इम्पैक्टफुल बैट्समैन है, ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया में तो ज्यादा इम्पैक्ट जो जनरेट करने वाले बैट्समैन है वो बहुत कम होते हैं। देन अगर हम उनकी पावर हिटिंग की बात करें, ही इज द ओनली प्लेयर इन T20 हिस्ट्री जिन्होंने के एक साल के अंदर जो है वो 50 से ज्यादा छक्के मारे हों। इस साल 2022 में ही हैज हिट 59 सिक्सेस सो फार, तो आई थिंक ये कहना इसमें जो है कोई ये बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा कि इवन दो कि विराट कोहली एक सीनियर फिगर है और विराट कोहली ने जो है ज्यादा लाइमलाइट लिया, बट आई थिंक इस बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल बैटर है इंडिया के वो सूर्य कुमार यादव है। राइट, सो आई थिंक इंग्लैंड की फिर स्ट्रेटेजी जो होगी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगी विद द बॉल के यू नो गेट दैट मैन आउट एज सून एज यू कैन बिफोर ही कैन मेक दैट डैमेज स्पेशली इतने बड़े मैच में। तो आई थिंक ये काफी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे फॉर इंग्लैंड टू सॉर्ट ऑफ डिसमिस। जी बिल्कुल, आई थिंक और जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमने देखे सूर्य कुमार यादव को जो उन्होंने पाकिस्तान के जो मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने थोड़ा सा टफ टाइम दिया सूर्य कुमार यादव को। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट बॉलिंग उनकी वीकनेस है, ही इज ए कम्प्लीट पैकेज, दुनिया के किसी भी बॉलर के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स ने जो टेस्ट क्रिकेट की जो लेंथ होती है उस पर जब बॉलिंग की है उनको तो मुश्किल का सामना करना पड़ा है उनको। नसीम शाह ने भी उनको टफ टाइम दिया, हसन अली ने भी लास्ट टाइम दिया था, तो आई थिंक मार्क वुड जो है ना वो एक इस तरह के प्लेयर इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये एक मैचअप हो और सूर्य कुमार यादव की जो विकेट है ना वो आई थिंक इंग्लैंड की नजरें होंगी कि मार्क वुड जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। Well, that will surely be a contest to watch out for. Ek apna ek a contest within a contest for sure. Mark Wood versus Surya Kumar Yadav, two very impactful players so far in the World Cup. Mazhar, which side do you think appears to be heavier going into this semi-final? Who's going to be your pick? देखे, ये थोड़ा depend करता है कि on the given day जो conditions हैं वो कैसी हैं। मुझे लग रहा है कि अगर तो कि बहुत ज़्यादा batting friendly conditions हुई जो कि last time Adelaide में नहीं थी, जो जो भी recent matches हुए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के और नदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका के, but then वो उसका फैक्टर ये भी था कि जरा यूज पिच थी और जो पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी वो तो उस दिन की चौथी इनिंग्स थी उस पिच के ऊपर। लेकिन अगर एडलेड जो है उसी तरह की विकेट हुई जो कि हम नॉर्मली देखते हैं बैटिंग फ्रेंडली, देन आई थिंक इंग्लैंड जो है ना वो फेवरेट होगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास जहाँ पे इंग्लैंड को फ्लैट पिच या एक अच्छी बैटिंग सर्विस मिल जाए ये टीम 180-190-200 रन जो है वो इजिली कर सकती है, उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर डेविड मलान नहीं भी खेलते और फिल सॉल्ट आ जाते हैं उनकी जगह, स्टिल उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो एक बड़ा टोटल कर सकती है, और बड़े मैच में अगर एक बड़ा टोटल हो जाए या आप अगर चेस भी कर रहे हो बैटिंग विकेट के ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें जो है ना वो इंग्लैंड को थोड़ा सा एज है। इंडिया के जो ओपनर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, फास्ट
आई मीन दे आर मिसिंग समबडी लाइक जसप्रीत बुमराह, जो कि डेथ ओवर्स में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो स्पेल कर सकता है। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इस मैच में इंग्लैंड जो है वो फेवरेट होगा। Well, thank you so much, Mazhar, for sharing your insights and your predictions with us. And both very strong teams. Itna hume pata hai ki bahut terrific match hone wala hai. Of course, it's going to be Rohit Sharma versus Jos Buttler. Let's find out very, very soon. We will find out which captain will be happier at the end of the day and go into the final of the ICC T20 World Cup 2022. Thank you so much for watching Cricket on Loop.